और ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। जी हाँ, ये बड़ी खबर, 16 लाख से के तस्करी का सोना जो है वो पकड़ा गया है और तार की शक्ल में बैग में छुपाकर 307 ग्राम सोना लाया था। एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था यात्री। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, 16 लाख के तस्करी का सोना पकड़ा गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, 16 लाख के तस्करी का सोना पकड़ा गया है। तार की शक्ल में बैग में छुपाकर 360 ग्राम सोना लाया था। एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था यात्री। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 16 लाख के तस्करी का सोना जो है वो पकड़ा गया है। कस्टम विभाग को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 लाख के तस्करी का सोना पकड़ा गया और तार की शक्ल में बैग में छुपाकर 360 ग्राम सोना लाया था। एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर आया था यात्री। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 16 लाख के तस्करी का जो सोना है वो पकड़ा गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ध्वज आर्य जुड़े हुए हैं। ध्वज, क्या अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज सुबह जयपुर कस्टम की ये बड़ी कार्रवाई है जयपुर एयरपोर्ट पर, जहां पर एयर अरेबिया की फ्लाइट से शारजहां से आ रही एक यात्री के सामान की जब चेकिंग की, तो उसके बाद में उसके जो उसका जो बैगेज था वहां तार की शेप में सोना मिला। तो इसको लेकर जब इसको पूरी तरीके से जब सोने को निकाला गया, यात्री से पूछताछ की गई, तो वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। और जब इस सोने का वजन किया गया तो 360 ग्राम जो है सोने का वजन बताया जा रहा है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है 16 लाख रुपए बताई जा रही है। एयरपोर्ट के जो कस्टम कमिश्नर है सुभाष अग्रवाल, ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरीके से यात्री से पूछताछ की जा रही है। और चूंकि ये यात्री जो कि कुछ पैसों के लालच में ये सामान लेके आया था, सोना लेके आया था तस्करी का, तो कहीं ना कहीं ये जो यात्री है कुरियर बॉय जो माना जा सकता है, पूरे नेक्सस का पता लगाया जा रहा है कि ये किसे डिलीवर करने वाला था। इस यात्री के जो पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है कि उसमें कितनी बार इसने विदेश यात्राएं की हैं और कितनी देशों की यात्रा उसने कब कब की है, तो इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और चूंकि ये 16 लाख रुपए की जो कीमत का सोना है तो यात्री का से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कस्टम विभाग का नियम है कि अगर 20 लाख रुपए से कम का सोना पकड़ा जाता है तो जो भी यात्री होता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर का सोना होता तो उस यात्री की गिरफ्तारी होती। तो फिलहाल इससे जो कि विस्तार से पूछताछ की जा रही है और उसके बारे में इसके पूरे नेक्सस का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सोना किसे डिलीवर करने वाला था। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।